हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए ज्ञान मुद्रा के बारे में बताती हूँ। ज्ञान मुद्रा किस तरह की जाती है और इसके क्या लाभ हैं, आप इसके बारे में जानिए और इसका फायदा उठाइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसको करने की विधि है तर्जनी, अर्थात प्रथम उंगली जो अंगूठे के ऊपरी भाग पर स्पर्श कराए, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उसी तरीके से आपको ऊपरी भाग पर स्पर्श कराएं, शेष तीनों उंगलियां सीधी रहें। इसको हम ज्ञान मुद्रा कहते हैं। ये ज्ञान मुद्रा है, आप इसे किसी भी समय कर सकते हो। अब आप इसके लाभ जानिए। मानसिक रोग जैसे कि अनिद्रा अथवा अति अनिद्रा, कमजोर याददाश्ती, क्रोधी स्वभाव आदि हो तो आप ये मुद्रा करें, ये अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगी। या आपके घर में कोई इंसान इस तरह की बातों से अवगत है तो उसको बताएं और ये ज्ञान मुद्रा उससे करवाएं, तो बिल्कुल ही वो इसका फायदा उठाएंगे। ये मुद्रा करने से पूजा पाठ ध्यान भजन में मन लगता है। इस मुद्रा का अभ्यास प्रतिदिन 30 मिनट करना चाहिए। आप इसको कई पार्टों में कर सकते हो। धीरे धीरे कई पार्टों में आप इस मुद्रा को कर सकते हो।